हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लॉक मशीनरी के बारे में, क्या होती है ये ब्लॉक मशीनरी और कैसे होती है ये आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और फील्ड से लाइव बताऊंगा किस प्रकार ब्लॉक मशीनरी को कम्प्लीटली किया जाता है विदाउट एडिटिंग के, मतलब विदाउट एरर कह सकते हैं दोस्तों आप, किस प्रकार की जाती है ये फील्ड में। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर ब्लॉक मशीनरी के बारे में बताइए किस प्रकार की जाती है दोस्तों ये, तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। बताने से पहले सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट, साथ ही आपको बेल आइकन दबाना है दोस्तों। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्लॉक मशीनरी, सब्सक्राइब कर लिया ना दोस्तों। देखिए ये दोस्तों केमिकल है, सबसे पहले बगल से बताता हूँ मैं आपको, इस प्रकार केमिकल लगाया जाता है दोस्तों ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक को कम्प्लीटली धूल वगैरह से साफ करके कपड़े से इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक को लॉक किया जाता है इस प्रकार दोस्तों। इसमें आपके जॉइंट की थिकनेस आती है दोस्तों 3 mm 4 mm के आसपास, क्लियर। आपके जॉइंट इसमें जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं आने चाहिए जैसा कि आप ब्रिक वर्क में करते हैं। प्लम्बिंग के लिए आपको सूट बांधना है जैसा कि आप बांधते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों 3 phase में आपके केमिकल लगता है दोस्तों ब्लॉक मशीनरी में। ये ब्लॉक का साइज है दोस्तों 640x200 mm x 100 mm दोस्तों, कई साइज के ब्लॉक आते हैं, डिपेंड करता है आप किस रिक्वायरमेंट के ब्लॉक लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों कोई भी जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं आ रहा है, सारे जॉइंट अलग अलग आ रहे हैं। अगर आ भी जाता है तो आपको उसे हटाना है किसी तरीके से, या आप कट पीस में ब्लॉक को लगाएं या कैसे भी लगाएं दोस्तों, लेकिन जॉइंट के ऊपर जॉइंट नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों इस प्रकार केमिकल लगाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कोर्स के लिए आपको मालूम है कॉर्नर पे आपके ब्लॉक को साउल करना होगा, फिर आपका सूता बांधना होगा, सूता यानी स्ट्रिंग, इसके थ्रू आप नेक्स्ट कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए दोस्तों अब जी आपका गैप आ रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में, लेकिन अब आपको भी एक ब्लॉक काटना पड़ेगा इसके लिए। किस प्रकार काटा जाता है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए ये आपका ब्लॉक कंप्लीटली कट गया है, और ये से आपको अब फिक्स करना है इस लोकेशन पर। ये दोस्तों आपको फिनिशिंग करना है, जॉइंट भरना है पनिंग के थ्रू, इससे क्या रहेगा बॉन्ड अच्छा बनता है दोनों ब्लॉक के बीच में, और फिनिशिंग भी काफी अच्छी दिखती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये आपने ब्लॉक काटा था अभी, इस प्रकार फिनिशिंग दी जाती है दोस्तों, दोनों साइड आपको फिनिशिंग देना है। ये आपके 2 कोर्स हो गए,
फर्स्ट कोर्स आपका रंगत का, सेकंड कोर्स आपने जो अभी लगाया है, अब आपको थर्ड कोर्स लगाना है दोस्तों, और उसका प्रोसेस आपको मालूम ही है। देखिए दोस्तों, ये हमारा ब्लॉक पहले फिक्स नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोबारा हमने इसे रिफिक्स किया है थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको फिक्स करना है दोस्तों, बिल्कुल कंप्लीटली, बिल्कुल भी सांस नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और इसे इस तरीके से फिनिशिंग टच देना है। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी सेकंड कोर्स कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट कोर्स कैसे लगाया जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कोर्स की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपके बॉन्ड को ले किया जा रहा है ब्लॉक के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार इसका प्लम्ब ऑफ किया जाता है, साउल किया जाता है। सबसे पहले ब्लॉक को आपको क्लीन करना है। इसका साउल आप दोनों साइड देखोगे दोस्तों, एक फ्रंट फेस में देखना होगा आपको, एक साइड फेस में देखना होगा। कुछ एरर था दोस्तों ब्लॉक में, टोलरेंस आता है ब्लॉक के साइज में भी दोस्तों, तो लेवल में डिफरेंस आता है इस चक्कर में। अब उस ब्लॉक को दोस्तों दोबारा काट के और कहीं फिक्स किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब किस प्रकार साउल होगा इसका। इधर वाले फेस में करो, पहले आपको एक ब्लॉक देखना है साउल में, फिर उसके बाद आपको नीचे वाली लेयर से देखना है दोस्तों। ये आपका ब्लॉक साउल में है, अब आपको ये रंगत वाले ब्लॉक से देखना है दोस्तों। लेआउट मार्किंग करिए आपने, उस ब्लॉक से आपको इसका साउल करना है। ये देखिए, ये ब्लॉक आपका फिक्स हो गया है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सूता बांध के नेक्स्ट कोर्स की तैयारी करना है। इस पे सारे पे आपको लेइंग करना है ब्लॉक केमिकल को। कई कंपनी के केमिकल आते हैं, जैसे कि क्लैपकॉन्स, बर्मा, जीके, बिरला का भी आता है दोस्तों, कई सारे केमिकल आते हैं। उधर भी फिक्स किया जा रहा है दोस्तों ब्लॉक को साउल वगैरह करके। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब स्ट्रिंग के थ्रू आपको सारा कोर्स लेयर करना है। इस पे सारा कोर्स लेइंग होने के बाद आपको नेक्स्ट कोर्स की तैयारी करना है। ये देखिए दोस्तों, ये आपने आपने जो प्लम्ब ऑफ किया था अपने ब्लॉक पे, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू इसी लेयर में आपको ब्लॉक रखना है। हर ब्लॉक पे आपको साउल करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार। और इसके बाद आपको ब्लॉक को साफ करना है धूल मिट्टी से। इसके बाद आप केमिकल बिछाओगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉक के तीनों साइड केमिकल लगता है जब आप ब्लॉक फिक्स करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस पर ब्लॉक फिक्स करेंगे। उसके बाद आप
नेक्स्ट ब्लॉक की तैयारी करेंगे। इधर भी कंटिन्यू काम चलता जा रहा है दोस्तों, एक बॉल में दोनों साइड काम चलता जा रहा है। ऐसे करके आपके ये बॉल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको उसको फिनिशिंग टच देना है दोस्तों जॉइंट पे। ये देखिए दोस्तों, अब ये आपका जो ब्लॉक बच रहा है ये आपको काटना होगा और उसके बाद फिक्स करना होगा। अब इसे किस प्रकार काटा जाता है ये मैं आपको बताता हूं। ये दोस्तों कश्मीर का मौसम ऐसा होता रहता है यहाँ पे अक्सर। बहुत आम बात है यहाँ पे बिजली का गरजना, खुशकिस्मत हो कि आप सुन पा रहे हो। इस प्रकार ब्लॉक को काट लिया गया है, अब देखिए जगह पर फिक्स किया जाएगा दोस्तों साफ करके। देखिए दोस्तों बहुत ही इजीली आपका फिक्स हो गया है ब्लॉक। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही 500-600 वीडियो आने वाले हैं आपके लिए। मैं नहीं चाहता आप एक भी मिस करें। सुनहरा मौका है इंजीनियर बनने का, वो भी फ्री में। सहमत हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दोस्तों। आपका ही चैनल है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। इस प्रकार आपकी बॉल कंप्लीट हुई दोस्तों। देखिए कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो मैं आपका रिप्लाई दूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।